कौन नमस्ते अंकल। अंकल होगा तेरा बाप साले। गलत। कौन बोल रहा? बउआ बोल रहा हूँ। अरे कौन बउआ? दो मिनट चाहिए अगर है तो समय। बोल तू काम बोल। क्या काम? यही है कि आज छोटी दिवाली है ना आज। हाँ तो हम लोग छोटे छोटे लोगों को विश कर रहे हैं। अरे तेरा मतलब क्या छोटे लोग? छोटे लोगों से दो। अरे छोटे से मतलब क्या तेरा? मतलब छोटा मतलब जैसे आदमी जिसकी हैसियत छोटी होती है। साले तेरे बाप होगी, समझ गया? सॉरी सॉरी, जूते होते हैं। सॉरी तेरे बाप को घर में नौकर मत। सॉरी, एक सेकंड रुकिए, एक फोन आ रहा है मेरा। एक सेकंड, एक सेकंड, बस एक सेकंड, अभी कटे ना बस। हेलो, हेलो। हाँ जी बोलिए। क्या भाई? हेलो, क्या क्या कह रहा है? क्या 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 लगा रखा है? अरे दूसरे फोन पे हूँ यार, एक सेकंड। इधर बात कर। नहीं 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 जी, मैंने पी नहीं है, मैंने पिला दी गई है। पिलाऊं तेरे को? एक सेकंड, पिला दी। हाँ जो भी है सही है। अरे जो भी है सही है। एक सेकंड, बात कर इधर। हाँ हाँ हाँ, मजा आ गई है। अरे इधर एक सेकंड, क्या? हाँ हाँ, आ जाइए। रॉन्ग नंबर अंकिल, सॉरी। हाँ हेलो। अरे तेरी साले, इतनी देर से रॉन्ग नंबर बात कर रहा है तू? पता ही, रॉन्ग नंबर पे मैंने इतनी देर क्यों बात की? क्योंकि ये साबित करने के लिए कि क्या साबित करना चाहता है? कि तू छोटा आदमी, तेरे पास बहुत टाइम है और तू फोन पकड़ के बैठा कब से। तेरी छोटी दिवाली गंदी बात। एक सेकंड रुकिए, आप मुझे कल कॉल करिएगा, पता है क्यों? अब तू कल बड़े लोगों की दिवाली साल जी ना, इस कल बड़े लोग कल करी ना आप मुझे, मैं उठा लूंगा। ठीक है हेलो जी, जी बात कर रहे हैं? हाँ जी बोलिए। नमस्कार, मेरा नाम बउआ है, मैं .com से बोल रहा हूँ आपके ऑनलाइन डिलीवरी के खातिर। हाँ भैया बताओ। चुप। हेलो हेलो। हाँ सॉरी, मैं ये कह रहा था भाई साहब। हाँ आपने जो मंगाया था इसका कैश पे करेंगे ना आप? हाँ कैश पे करूँगा। चुप। अरे क्या हो गया? हेलो, एक सेकंड भाई साहब, अपना एड्रेस कंफर्म करवा दीजिए। सॉरी, हाँ 86 नंबर पुल के नीचे, मेट्रो के नीचे। अच्छा ठीक है। हाँ भाई, तो यहाँ पे आप मिल जाएंगे ना? हाँ भाई यहाँ मिल जाऊंगा। चुप चुप। हेलो, किसको चुप चुप बोल रहा है तू जब से? अरे भाई साहब क्या हो गया? चुप 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 करे जा रहे, किसको चुप चुप कर रहा है तू? आप गलत मत बोलिए, एक सेकंड, आपका आइटम आया है वो आपको पहुंचा देंगे। 12 से 2 मिलेंगे कि नहीं? सॉरी, आप 12 से 2 मिलेंगे भाई साहब? हाँ मिलूंगा, बोल। ठीक है, तो 12 से 2 के बीच में आके वो डिलीवरी। हेलो। हाँ ठीक। हाँ भाई चुप। तू चुप, अपने बाप को चुप चुप बोलियो। भाई क्या हुआ यार, मेरे बगल में एक लड़का बैठा है, वो बार बार उंगल कर रहा है, मैं उसको चुप करा रहा हूँ और आप मेरे को गंदा बोल रहे हैं। पहले उससे बात कर ले, फिर मेरे से बात कर लियो। अरे तू उससे, मैं काम के बीच में देखो बात बात नहीं करता, इसलिए पहले काम करूंगा फिर उसको। अब तो मैं बोलूंगा ही नहीं, तू उसको चुप करा ले पहले। क्या? तू उसको चुप करा ले, मैं बोलूंगा ही नहीं। अरे चुप। ये किसको बोला तूने चुप? ये इस बार मैंने तेरे को बोला है, चल चुप। मैं अपने दोस्त को 15 बार चुप बोला, उसने एक बार भी जवाब नहीं दिया, तू 2 बार में मेरे को चीची बोल रहा है? हाँ तो बोलूंगा मैं। 54 रुपए का आइटम मंगाया है, साबुन 2+1, वो भी कैश ऑन डिलीवरी, और मुझे चुप रहने को बोल रहा है, चल चुप। साबुन तेरी रगड़ दूंगा। बात कर रहा है गलत आदमी। तब बोलेगा तू गलत आदमी कौन है कौन? अरे चुप। तू चुप भाई, ये मैं अपने दोस्त को बोला, फिर उंगली कर रहा है यार, ये मैं बोल रहा हूँ इसको। उसकी साबुन उसको भी घिसले, अपने भी घिसले। गलत आदमी, 93.5 FM बजाते रहो। चुप। हेलो। हेलो भाई साहब। हाँ जी बोलिए। अंकिल जी नमस्कार, मेरे साथ हाँ सॉरी, मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। हेलो। हाँ, भारत को साउथ अफ्रीका के साथ दूसरा वाला मैच हर हालत में जीतना है जी, 25 साल का हिसाब करना है। है जी, पहला वाला हार गए थे। हाँ हार गए थे। तो दूसरे वाले को जीतने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, इसी में हम चर्चा कर रहे हैं। आप जैसे एक जनता की तरफ से हमने प्रतिनिधि बुलाया है, जो समाज को आईना दिखाकर अपना कर्तव्य निभाता है। बात तो सुनिए। हेलो। सुन तो रहे ना, चिल्ला क्यों रहे भाई? अबे तूने मिलाया है तो एक से चर्चा में भी ले रहा है मुझे बिना पूछे। अच्छा सुन तो लो, सॉरी लग गया तो सुन लो। बोल कहाँ से रहा है तू? बता देंगे यार, लेकिन सुन तो लो एक मिनट। नहीं वो तो मैं सुन ही रहा हूँ। एक तो सेकंड, मैं बता रहा हूँ बैरागी जी के साथ एक बार इसी बात पे, भाई साहब सब बता देंगे। एक मिनट चलो भाई, ये कहाँ से चुप पकड़ के लाए? एक सेकंड, गुद्दी में रहता आ रहा पीछे देख, मेरी बात तो सुनो तो ले। अरे ये सुनना ही नहीं चाह रहा है, एक सेकंड रुक जा भाई। अरे तू तो यार, अरे रुक जा, बात ही नहीं, बात तो सुन ले
बैठा जी, एक काम करिए बैठा जी, एक बार इसको ही बोलने दीजिए, बोल चल बोल। बोलो। अरे मैं क्यों बोलूं, तू मेरे को कह रहा है तू चर्चा करो, ऊपर से चर्चा में तुम बता रहे हो कि तुम होगे क्या कि तो वो अपने आप को ज्यादा क्या समझ रहे हो कि हम हैं तो हम बताएंगे है भाई। हेलो। हाँ ज्ञानी। हाँ बोल लेना और बोल तब बोले हम बोले भाई तू मले अपनी तो फोन कर। इनका नाम क्या बैठा की जी? रमनचो गोली। आप रमनचो गोली है भाई साहब? गोली दे दूंगा। हाँ तो रखो ना फोन, हमको बोलने तो दिया नहीं, टॉपिक तो बताने नहीं दिया। बोल बोल नहीं रहा है, काट दिया। इस बार तूने टॉपिक बता पाए ना, चर्चा कर पाए। इस बार की चिट्ठी बैठा की जी। इस बार की चिट्ठी अल्जीरिया के छिछलू गांव में बादाम रोगन की सीसी में कच्ची घनी तेल डालकर पूरे परिवार का चुमंगल सावधान करने वाली समगुलची तियाला कहती है गाइस, एफ से रॉकिंग। समगुलची जी, एफ से रॉकिंग तो कतई नहीं होता। मकर संक्रांति की लोहड़ी की सबकी बधाई। रेड एफएम बजाते रहो, स्नान भी हरिद्वार में तो। हेलो। हेलो। हाँ जी अंकिल जी, नमस्ते। कई लोगों को लगा रहा था, मैं फोन कट जा रहा था बीच बीच में, आपको भी लग गया। मैं बहुआ बोल रहा हूँ भाई साहब। हेलो। हाँ जी, लोग समस्याओं का सलूशन ढूंढते हैं पर ढूंढ नहीं पाते हैं क्योंकि अंदर नहीं झांकते हैं। किसके अंदर? अपने अंदर, समस्या के अंदर। सपोज आपके घर में चाय फीकी बनी है, चाय अगर फीकी बनी है थोड़ा चीनी डाल दीजिए, मीठी बन जाएगी। मेरे को बता रहा है, मेरे को शुगर है, नहाने के लिए, नहाने के लिए अगर पानी का प्रयोग किया जाए तो नहाना और अच्छा हो जाए। तो और किससे नहाएगा बावड़ी? गलत बात बोली। अगर आपको रहने में प्रॉब्लम है मकान बनाइए बढ़िया, रहने में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो मकान ही बनाएंगे, तंबू थोड़े ही बनाएंगे। मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो जाए फिर तो क्या, आप उसे घसीट के अगले पेट्रोल पंप पे ले जाइए, भरवाइए, चिंता करेंगे तो गलत है, गलत बात। एक से हेलो। क्या बार बार झापड़ मारूंगा साले, मुंह सूज जाएगा, पुलिस में नंबर दे दूंगा, बड़ी कुटवाऊंगा फिर मैं। हेलो। हेलो। मैं सुरभि बात कर रही थी, आप गलत किसको बोल रहे हैं? मैडम परेशान कर दिया क्या? तो गलत बोलेंगे, एक बार नंबर देख लीजिए ना भाई साहब। आप भी सुबह सुबह फोन कर रहे हो उसी बीच में? तो क्या नहीं, आपको तो आपके सोल्यूशन के लिए फोन करें ना भाई साहब। 15 दिन हो गए मैडम, कौन सा सोल्यूशन दोगी? यूट्यूब तो चल नहीं रहा। ये तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना आपको? मैडम नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन कर रहा हूं मैं 15 दिन से। वही तो बता रही थी मैं, अगर नेटवर्क का सही में प्रॉब्लम है तो हमारा जो टावर है पीतमपुरा में, आप उसके पास जाइए, फटाफट नेटवर्क आएगा। उसके नीचे जाके बैठ जाऊं? अब आप ही को नेटवर्क नहीं आ रहा ना मैडम, घर में नेटवर्क नहीं आ रहा। तो घर बदल लेना भाई। मैडम कैसी बेतुकी बात कर रहे हो, आपका दिमाग ठीक है? भाई साहब मैं तो वैसी बात करूंगी जैसे भाई साहब करते मेरे। कौन से भाई साहब तेरे? अब परिवार के लोग हैं, एक दूसरे पे नहीं जाएंगे तो किस पे जाएंगे? मैं समझ नहीं रहा क्या बोलना चाह रही हूँ आप। अरे मैंने बोला था ना चाय में शक्कर कम है तो शक्कर मिला लो। अब तेरी तो मेरी दीदी है ये भी रहती। हेलो। हेलो आ रहे हो आप टावर के पास नेटवर्क के लिए? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बहुआ बोलो अंकिल बजते। नहाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाए तो बढ़िया हो जाता है। हेलो। 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 तो यही जवाब दोगे क्या? कौन क्या कैसे ये भी पूछ सकते हो? हेलो का मतलब हेलो। कौन बोल रहा है? अंकिल नमस्ते, मैं बहुआ। नमस्ते भाई। हेलो। हाँ नमस्ते भाई। हेलो बोल, आगे हो गया हेलो यार। सॉरी मैं कह रहा था T20 का इतना बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है, सबसे ज्यादा प्रेशर में कौन रहता है, कभी कोई सोचा? यार हमें क्या लेना भाई, क्यों मत चेकी भाई साहब, क्या लेना हमें भाई? एक मिनट मैं बताता हूँ। लोगों को लगता है सबसे ज्यादा प्रेशर में बॉलर रहता है क्योंकि सामने अगर धोनी जैसा या कोहली जैसा बैट्समैन हो तो धो देगा, है कि नहीं? हाँ तो और क्या। एक नहीं, फिर किसी को लगता है सबसे ज्यादा बैट्समैन प्रेशर में रहता है क्योंकि अगर बुमराह जैसा बैट्समैन हो और सामने कोई फास्ट बॉलर हो तो वो भी आउट हो जाएगा, तो प्रेशर में बैट्समैन भी रहता है, कोई ये कहता है। पर ये भी गलत है, कोई कहता है सबसे ज्यादा प्रेशर में चीयर लीडर रहती है क्योंकि चौके छक्के इतने पड़ते हैं, विकेट इतने जाते हैं, उनको डांस करना पड़ता है। कोई कह रहे थे नहीं सबसे ज्यादा प्रेशर में ऑडियंस होती है क्योंकि कहीं से छक्का पड़ा, बॉल सर पे लगा, सर फूट गया या उनकी फेवरेट टीम हार गई तो उसका प्रेशर रहता है। लेकिन ये सारे प्रेशर बेबुनियाद हैं, फालतू हैं। असली प्रेशर में तो कौन रहता है? अंपायर। तू भी भाई क्यों मत कि मत एक सेकेंड मैं बता दूं, सबसे ज्यादा प्रेशर में एक्चुअली में अंपायर रहता है। पूछो कैसे? अंपायर कैसे आ गया भाई? इतनी सारी चीयर लीडर रहती है, उनको भी ब्रेक मिलता है। बैट्समैन रहता है, बैट्समैन भी ब्रेक लेके आउट होके पवेलियन चला जाता है ड्रेसिंग रूम में।
बॉलर भी बहाना करके कि आप मेरे पैर में चोट लग गई, कोई और प्लेयर को अंदर भेज दो, वो भी बाहर जा सकता है। अबे बहाना नहीं करता, वो काम करता है। एक से मैं कह रहा हूँ, इन सब को अगर प्रेशर आएगा, एक नंबर या दो नंबर, ये सब लोग अपना अपना चांस लेके शौचालय जाके आ सकते हैं। अंपायर अकेला ऐसा शख्स है, शख्स है, शख्स मैं शख्स, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, कितना गलत आदमी है वो, उसको जब प्रेशर आएगा तो ये नहीं बोल सकते दूसरे अंपायर भेजो मुझे रिलीज करना, कभी देखा है ऐसा? तो सबसे ज्यादा प्रेशर में अंपायर रहता है, हाँ या ना बताओ? अब वही अंपायर जो उंगली उठाता है ना भाई, ऐसा है वही उंगली ना घुमा के ना, भाई भाई साहब फोन रखिए, आप बकवास सुन नहीं सकते। मैं गलत आदमी 93.5 हेलो सर, आवाज नहीं आ रही कुछ, फोन हेलो, हाँ फोन, हेलो जी अंकिल नमस्ते, हेलो कौन, हेलो जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ जी, अंकिल आवाज आ रही है मेरी, आवाज आ रही है लेकिन आप, हेलो कह रहा था मैं, कई लोगों से बात हो रही थी मेरी, कुछ लोग होते हैं जो बिजी होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उठा लेते हैं बात करते हैं, कुछ फोन बीच में काट देते हैं, आपसे अगर 1.5 मिनट मिलेगा ना तो मैं सारी बातें आपको समझा सकूंगा और एंड में बता सकूंगा कि मैं कौन बोल रहा हूँ। आप बोल कौन, वही मैं कह रहा हूँ एंड में, आप बोल कौन से ऑर्गेनाइजेशन से रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन आखिरी में बता दूं, अच्छा, दो तीन सवाल थे, दो तीन ही चीजें मेरे को डाउट में आ रही थी जी, ठीक है, चपलू और मंगलू दो लोग दोस्त थे, चपलू के घर, सुनो मेरी बात, चपलू के घर की मुर्गी मंगलू के घर जाके अंडे दे आई, बताओ अंडे किसके हुए? मंगलू के, जिसके घर में दिए हैं तो उसके घर में तो होंगे, और जिसने दिए उसके तो होंगे नहीं ना, अरे मुर्गी के हुए ना भैया जी, अरे सुनो एक मिनट, एक हाथी तालाब के पानी में गया, बाहर कैसे आएगा ये बताओ? बाहर कैसे, जैसे गया वैसे आएगा? अरे गीला आएगा, पैदल हो क्या? देख मैं एक आदमी अपने बर्थडे पर 1 रुपया गुल्लक में डालता था, हर बर्थडे में 1 रुपया डालता था गुल्लक में, 60 साल के बाद गुल्लक तोड़ी, 15 रुपए निकले, कैसे निकाल लिया? 29 फरवरी को पैदा हुआ था, कोई निकाल लिया होगा? अबे क्या के नहीं, एक सेकंड, बारिश में मेंढक बाहर क्यों आ जाता है, सोचा है कभी? बारिश एंजॉय करने आता होगा, मुझे क्या पता, अबे मैं मेंढक बता, मैं बता रहा हूँ, किसी के घर में पानी भर जाता है तो बाहर नहीं चला जाता, मेंढक नहीं आएगा बाहर, बात कर रहे हो आप? अबे मेरी बात सुन, एक आखिरी सुन, एक आदमी को हाई शुगर था, डॉक्टर ने उससे कहा कि मीठा खाना बंद कर दो, उसने मीठा खाना बंद कर दिया, क्यों? क्यों क्या भाई, मैं बताऊं? हाँ, क्योंकि उसको शुगर था और डॉक्टर ने बोला था। अरे तेरी कुछ चीजें सिंपल चीज थी, उसमें भी सोच रहे क्यों किया क्यों किया। भाई आपके आपके फोन में कट होने का बटन नहीं है क्या? तू तेरा गला फोन काट दिया चीजी, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, ज्यादा दिमाग मत लगाते रहो, कुछ चीजें सिंपल भी होती है। हेलो हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते, कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ जी, 2 मिनट चाहिए था आपसे। असले या बोल रहे, सॉरी मैं ये कह रहा था, हाँ। आप काम वाम करते हो कुछ? नहीं मैं तेरी तरफ, भाई साहब प्लीज यार नहीं, मतलब कॉर्पोरेट में हो ना, कॉर्पोरेट बोलते हैं ना, हाँ कॉर्पोरेट, तो कॉर्पोरेट में एम्प्लॉय में और बिल्ली में बड़ी चीजें कॉमन होती भाई साहब, बिल्ली होती है ना कैट, कई सारी चीजें, फॉर एग्जांपल बिल्ली बोलती मैं आऊँ और बिल्कुल अपने बॉस से उसके केबिन में एंट्री करने से पहले भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय पूछता है मैं आऊँ है कि नहीं भाई साहब? आगे देखिएगा, बिल्ली पीती है दूध, लेकिन कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का बॉस क्या पीता है? खून, खून। बिल्ली खाती है चूहा, बिल्ली के पेट में चूहा होता है, लेकिन कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का बॉस अपने एम्प्लॉय को भूखा मीटिंग में बैठाए रहता है, तो उसके पेट में भी क्या रहता है? चूहा ही रहता है। भाई साहब नहीं, गलत मत बोलिए, बिल्ली पंजा मारती है लेकिन कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का जो बॉस होता है वो उसके पीठ में छुरा मारता है। बोलता है अप्रेजल देगा, हर सीजन में छुरा मारता है। सुनिए, खिसियानी बिल्ली क्या नोचती है? खंबा नोचती है, लेकिन कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जब खिसिया जाता है उसका बॉस उसको एम्बेरेस कर देता है, तब वो शाम को क्या खोजता है? खंबा। बिल्ली सोचती है और ये यार तू
रह गया। बिल्ली नोचती है और ये खोचता है खम्बा, है ना। एक होता है भीगी बिल्ली, और यहाँ पे सड़म के मारे एम्प्लॉई भी बॉस के सामने भीगी बिल्ली बनता है, ठीक है। लेकिन बिल्ली जब दूध पीती है भाई साहब, तो कैसे पीती है? ऑब्वियसली चाट के, और कैसे पिएगी? और अगर एक सक्सेसफुल कॉर्पोरेट एम्प्लॉई बनना है तो कैसे बनना है? भाई साहब समझ गए, ढूंढ रहे। एक आखिरी मेरी तरफ से सुन लो, ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो बिल्ली क्या है, बिल्ली क्या काटती है? रास्ता। और ऐसा कॉर्पोरेट एम्प्लॉई जिसका इतना करने के बाद भी प्रमोशन नहीं हुआ है, वो दूसरी कंपनी का ऑफर लेटर लेके क्या काटता है? थैंक यू आपकी हंसी ने जो माहौल बनाया ना भाई साहब। आप ऐसे ही बड़े कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बनते रहे बाकी तो बेटा। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलो बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, दिस इज डेडिकेटेड टू ऑल द कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हु आर लिसनिंग टू मी एट दिस मोमेंट। हेलो। हेलो, हाँ अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन जी? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, हाँ कौन भाई? आपको सुनाई तो देता है ना भाई साहब। अबे तू पागल है क्या? मतलब सुनाई नहीं देगा तो फिर कहाँ से मैं बोल रहा हूँ? हाँ तो नहीं, ठीक है, मैं बस यही चेक कर रहा था, सुनाई तो देता। थैंक यू। अच्छा हेलो, हाँ जी भाई साहब, सॉरी एक और चीज कंफर्म करनी थी, मैं वही बोल रहा था बहुआ। हाँ बोलो। आपको दिखाई तो देता है ना? बे फिर तो क्या गलत क्यों बोल रहे हैं? तू बात ही ऐसी कर रहा है। बात कर रहा हूँ आपको, मैंने क्या पूछा पहले, सुनाई देता है क्या? अब पूछ रहा हूँ दिखाई देता है क्या? कंफर्म कर दो, दिखाई देता है तो देता है, इसमें चिढ़ने वाली क्या बात है? तो तू बात ही ऐसी कर रहा, दिखाई देगा नहीं क्या मुझे? अंडा बना रहा है क्या मुझे? नहीं मैं पूछ रहा हूँ, दिखाई देता है ना? हाँ या ना में भी तो बोल सकते हो आप। हाँ दिखाई देता है, बता। ठीक है, बस यही पूछना था। ओके, तो पूछ क्यों रहा है मेरे से? थैंक यू। हेलो, अच्छा आपका दिमाग तो सही है ना भाई साहब? अबे तू दिमाग खराब हो गया। एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि देखो आप दिमाग खराब नहीं है ना, मतलब सही है ना, यही कंफर्म कर देना था बस, बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो बार बार ये कभी सुनाई दे रहा है, कभी दिखाई देता है, कभी तो कह रहा है दिमाग खराब है। नहीं तो एक सेकंड, आपका दिमाग सही है या नहीं है ये बता दो, बात खत्म हो जाएगी। अबे तेरा खराब हो गया क्या मेरे को लग रहा है? नहीं नहीं, मैं पूछ क्यों रहा हूं, मैं पूछ क्यों रहा हूं, ये एक मिनट। हाँ आप पिक्चर देखते हो? हाँ फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखता हूँ। बहुत बढ़िया करते हो तो। और सिगरेट भी पीते होगे? हाँ सिगरेट भी पीता हूँ। बहुत बढ़िया, तो पिक्चर शुरू होने से पहले दिखाते ना, तंबाकू सिगरेट से कैंसर होता है। हाँ ये देखते हो? तो ये देखते भी हो, ये सुनते भी हो? हाँ। फिर भी नहीं समझते हो और कंटिन्यूसली पीते हो, तो दिमाग ही खराब है इसलिए पीते हो। क्या हुआ भाई साहब? हेलो हेलो, क्या हुआ? अबे छोड़ दूंगा के बच्चे, छोड़ दूंगा। क्या छोड़ दोगे? मूवी देखना छोड़ दूंगा। ठीक है। ओ माय गॉड, सिगरेट नहीं छोड़ रहा है, मूवी देखना छोड़ रहा है। तो और क्या, तेरे छोड़ बात कर रहा है गंदा आदमी। मैं जहाँ पर ऐसा मारूंगा तेरे पे, ठीक है फोन रख, चल छोड़ दियो, पीना मत। बात कर रहा है 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोलो। हेलो, जुकाम से लग रहा है भाई साहब। नमस्ते अंकिल, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्ते, कौन बोल रहे? मैं बहुआ। हेलो। आपको मौका दे दूँ, आप थोड़ा सा नाक वाक साफ कर लें, गला वाला, या अभी बात कर सकते हैं? नहीं जी, बोलिए बोलिए भाई साहब। ये जो नाकों से जो आपके आंसू बह रहे ना, ये आंखों से भी बहेंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि CID सीरियल बंद होने वाला है। CID बंद हो रहा है तो मैं क्या करूँ भाई साहब? कितनी यादें जुड़ी हुई हैं हम सब की, ऐसी ऐसी बातें हमने सुनी हैं, हैं? राम क्योंकि मेरी तो नहीं है इतनी। भाई आप, मैं बता रहा हूँ, कुछ अर्ज करना चाहूंगा जिससे एटलीस्ट हमारी यादों में तो रहे CID, है कि नहीं भाई साहब? देवदास जिसके प्यार में पागल थी वो लड़की पाड़ो, देवदास जिसके प्यार में पागल थी वो लड़की पाड़ो, दया घर का कोना कोना छान मारो। क्या भाई भाई साहब, राम गोपाल वर्मा की फिल्म थी सत्या। कौन सी थी? राम गोपाल वर्मा की फिल्म थी सत्या। अभिजीत ये मौत नहीं, ये है हत्या। गिलास में पानी रखा था भाई साहब, गिलास में पानी रखा था, लुढ़क के गिर गया नीचे।
अच्छा, गिलास में पानी रखा था, लुढ़क के गिर गया नीचे, अब काटना सारी उम्र सलाखों के पीछे। सिर्फ पौधा लगाने से नहीं होता है, उसे रोज पानी से सींचा करो। रोज पौधा लगाने से नहीं होता है, उसे रोज पानी से सींचा करो। वो गोली चला के भाग रहा है, उसका पीछा करो, पीछा करो, पीछा करो। रुक बेटा रुक, मेरी बारी। हाँ, मेरी बारी मतलब अब मेरी तो सुन ले एक बार। अच्छा, आप भी कुछ सुना रहे हैं? हाँ भैया, सुना सुना। मेरी दया, दया अब अपना पुराना काम छोड़ दो। दया अब अपना पुराना काम छोड़ दो, क्या बात है दया? दया हाँ, अब अपना पुराना काम छोड़ दो। छोड़ दो, दरवाजा तो बहुत तोड़ा, अब बउआ की तोड़ो। भाई साहब गलत नहीं बोलेंगे आप, बंद हो रहा है आईडी, आपको खांसी आ रही है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहे हो। हेलो। हाँ जी भाई साहब, अंकिल नमस्ते। हाँ जी, वर्ल्ड कप के बारे में कई लोगों से मैं राय ले रहा था। कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ जानकारी आपको नहीं है हमारे बारे में, और हम लोग इस बारे में पहली बार बात कर रहे हैं, पर आई थिंक बात करना जरूरी है क्योंकि भारत का जीतना जरूरी है भाई साहब वर्ल्ड कप। तो मैं क्या करूं? भारत वर्ल्ड कप जीत सकता है ये मैं मानता हूँ, और ये मैं जानता भी हूँ। तू कैसे जानता है? देखो, पहला तो सवाल ये है कि वर्ल्ड कप में कप ही क्यों होता है? पता नहीं भाई क्यों होता है। गिलास क्यों नहीं होता, चम्मच क्यों नहीं होता, कटोरी क्यों नहीं होती, थाली हो सकती। ए भाई साहब, थाली भी हो सकती। गलत नहीं, क्या दिमाग खराब कर। गलत नहीं भाई साहब, वही थाली ना यहाँ से फेंकी भी जा सकती है और किसी को मुंह पे लग भी सकती है। चुप रहो, मेरे को क्या पता क्यों नहीं होता। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कप में हम लोग क्या पीते हैं? भाई बहुत कुछ पीते हैं, पानी पीते हैं। तू पानी कप में पीता है? हाँ भाई, मैं गरीबी गई नहीं देश से लगता है। नहीं नहीं, और क्या पिया जाता बताओ पानी के अलावा? कॉफी पीते हैं और कावा पीते हैं, दूध पीते हैं। अच्छा, पॉइंट भी नहीं आएगा, कप में इतना सब पी लेते हैं दुनिया भर का सामान, वो एक चीज नहीं पीते क्या कप में? चाय। बहुत देर बाद, गरीबी गई नहीं देश से। भाई इसमें गरीबी की क्या बात है? नहीं, विचार की गरीबी है, पैसे की गरीब नहीं, तू विचार का गरीब है। बात गरीब होगा। सुन, और चाय जो बोल रहा है तू, चाय कप में ही पिया जाता है, चाय से जुड़ा इंसान हिंदुस्तान में जीता है, तो इसलिए मेरे को लगता है चाय कप में पीते हैं तो हिंदुस्तान से जुड़ा इंसान कप भी जीतेगा, यानी कोहली। भाई ऐसे थोड़ी होता, कुछ जो कॉफी पीते हैं वो भी जीते हैं। मैं बना रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, तो माय गेम माय रूल्स। दिमाग मत खराब कर। ए, गरीबी गई नहीं हिंदुस्तान से। अबे तुम गरीब, तुम्हारा बात गरीब। ए, गलत बात कह रे, डब्बे बजाते रहो। बोलो बोलो। हेलो 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 हेलो, कौन बोल रहा है भाई? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अरे रो रहा है कौन है? बउआ है, रो रहा है कौन था? रो इसलिए रहा हूँ क्योंकि लोग ना दुनिया आजकल समझती नहीं है बातचीत को। फोन कर रहा है? मुझे ऋषिकेश जाना था, लेकिन उसके चक्कर में मैं पुलिस स्टेशन चला गया। अरे मैं समझा नहीं क्या हो गया। क्या था ना कि मुझे ऋषिकेश जाना था, तो इसलिए मैंने एक आदमी के घर का दरवाजा तोड़ के उसके यहाँ थोड़ी चोरी कर ली। घूमने गया था, चोरी करने गया था। सुनो तो, इसीलिए तो चोरी की, क्योंकि चोरी करूंगा तो पुलिस पकड़ेगी, पुलिस पकड़ेगी तो जेल में डालेगी। फिर तुम्हारा डंडा खाएगा? नहीं सुनो, जेल में जाऊंगा तो वहाँ पे और भी चोर रहेंगे, क्योंकि मैं नया नया हूँ और मेरी दाढ़ी भी नहीं है, तो वहाँ कोई चोर पुराना होगा, उसकी दाढ़ी भी होगी। चोर की दाढ़ी में तिनका निकलेगा, तिनका निकलेगा, वही तिनका लेकर ऋषिकेश जाऊंगा, क्योंकि ऋषिकेश में राफ्टिंग होती है, राफ्टिंग में अगर राफ्ट पलट गई और मैं डूबने लगा तो डूबते कोई तो उस तिनके का सहारा होगा भाई साहब। अरे डूबते कोई तिनका लेगा, कैसे बचेगा? अब आप उल्टा गलत बोल रहे हो मेरे को। गलत क्या? तिनके से मैं क्या बात कर रहे, क्या करूँ मैं बताओ? बस गलत नहीं बोल सकते आप। गलत क्या? अंदर नहीं, बात ही नहीं करूंगा मैं आपसे। अगली बार जिसे आप जाना है कहीं नदी वगैरह में तो मेरे से ले लेना, मैं चार पांच चोरों के तीन के लाया हूँ, ठीक है? छीछी बोल रहे 93.5 रेड एफएम, बउआ बोल रहे अंकिल बजाते रहो। आप लोग जाएंगे कभी ड्राफ्टिंग के लिए, तीन के मेरे से ले लेना, छह सात चोर मिले थे ना जेल में। ओके बाय। हेलो हेलो भैया जी, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ जी आवाज आ रही है। मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
नवयुवक को। हेलो हेलो, एक चर्चा होती है भाई साहब, जहाँ पर आप जैसा एक एक्सपर्ट और बैरागी जी जैसा, सॉरी आप जैसा एक प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसा टंग ऑफ स्लिप हो गया पहुंच जाता है। हेलो, क्या चर्चा करनी है? चर्चा यही, आप रेडी हैं या नहीं है? हम एक, हेलो, रेडी हो तो फिर क्या मतलब है? फिर क्या मतलब, कंफ्यूज लग रहे। देखो, गई भैंस पानी में एक मुहावरा है या नहीं है बताइए? गई रे गई भैंस पानी में, रामा रामा भरी जवानी में, बहुत जमानत चलता आ रहा है कि नहीं भाई साहब? हाँ होते हैं। क्यों भैंस पानी में गई बैरागी? अपना थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे बैरागी जी। देखिए, भैंस जो है भोर से ही अपने कामों में लग जाती है। भाई साहब लाइन पे हैं। मेरा इससे क्या मतलब? हाँ, इनका क्या मतलब, अभी मतलब एंड में समझेगा भाई साहब। भैंस भोर से ही, भोर से अपने कामों में लग जाती है और उसके बाद वो जो काम करती है उससे काफी वो सफाई चाहती है, क्योंकि स्वच्छता का अभियान इंसान ही नहीं। मैं समझ नहीं पाया, भैंस क्या करती है? गोबर करती है ना भाई साहब? करती होगी शायद, करती होगी, पर इससे मेरा क्या मतलब? अभी पता चलेगा, मतलब पता चलेगा। तो भैंस करती है गोबर, तो जैसी भैंस ने गोबर किया तो वो सोचती है कि स्वच्छता के चलते मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, मुझे कहीं और जाना चाहिए। किस चीज के लिए? सफाई के लिए, गोबर धोने के लिए। देखिए, इंसान के पास तो धोने के लिए बहुत से आयाम है, जेट है, शार है, कागज है, अखबार है, तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन भैंस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भैंस स्वच्छ भारत के चलते सीधा पानी के अंदर जाती है और साफ हो जाती है। ये लोग, ये तुम तो हो गए। नहीं नहीं, भैंस पानी में सिर्फ स्वच्छता अभियान को जिंदा रखने के लिए। आप गलत बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल सकते। और काम नहीं है क्या? तुम घुसा के ना वहीं जब बात कर रहे हैं आप गलत दिमाग की। थैंक यू सो मच। इनका नाम ब्रुंटो चोला हमारे साथ। क्या ब्रुंटो चोला? ब्रुंटो चोला, तेरा नाम होगा ब्रुंटो चोला। ब्रुंटो चोला, अरे चोला, अरे चोला, अरे चोला, ब्रुंटो चोला, ब्रुंटो चोला, ब्रुंटो चोला। इस बार की चिट्ठी जो है केंटारापुर से आई है, वहाँ पर जामुन की गुठली पीसकर मधुमेह के लिए औषधि बना के जुल्मी साडू को कासा कटांका भेजने वाली टिन्यो गुलेरिया कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। सो मेनी डिफरेंट नेम्स, ओनली यू कैन अटर टिन्यो, बट एफ से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू टिन्यो, रेड एफएम बजाते रहो। ब्रुंटो, हेलो, कहूंगा ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज। भैया क्या आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है, कौन बोल रहे हो? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी और हम सब मिलकर शुरू करना चाहते हैं एक ऐसी चर्चा। समाज को आईना दिखाने, कर्तव्य निभाने का वक्त आ गया, आपने दायित्व निभाइए और चर्चा में जुड़ जाइए। आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि हमें चाहिए, बैरागी जैसा एक एक्सपर्ट। शुक्रिया, बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुमुखी प्रतिभा के धनी एंड वेरी फनी बैरागी। थैंक यू बैरागी, एक्सपर्ट है हमारे, दो मिनट लगेगा। हाँ जी करिए। थैंक यू। अरे क्या गाना चला दिया तुमने? एक सेकंड, ये किसका है आपको बताए? क्या है ये? पूजा, ढिंचक पूजा। ढिंचक पूजा ने पूरा तहलका मचाया हुआ। आपने सुना ये ढिंचक पूजा का? अरे बहुत ही घटिया गाना है। ऐसा मत बोलिए, इसका कुछ फायदा भी है बैरागी जी, इनके फायदे बता रहे हैं आप, जरा गौर फरमाइए बैरागी जी, प्लीज जरा बताइए। देखिए, ढिंचक पूजा के बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा सीधा किसानों को है। किसानों क्या फायदा भैया? किसानों को ये फायदा है कि जैसे बागों में आम नहीं पकते, आमों को मसाला लगा के पकाना पड़ता है, तो पेड़ के नीचे आप ये प्ले कर दो, आम अपने आप पक करके नीचे गिर जाएगा। ऐसा रस होगा। ये किसानों का फायदा, इसके अलावा दूसरा फायदा डॉक्टरों को है। कैसे डॉक्टरों? ऐसी गर्मी में फोड़े मवाद होते हैं, फोड़ा हो जाता है, बल तोड़ हो जाता है, उसके अंदर मवाद भरता है। ठीक है, ये प्ले करो, ये मवाद, ये सुनते ही फोड़ा अपने आप पक जाता है और मवाद चीटाका और बिना बाहर आ जाए। डॉक्टर को फायदा, इसके अलावा बड़ा फायदा किसको है? सबसे बड़ा फायदा सास और बहुओं को है। मतलब जिस तरीके से आपसी रंजिश उनमें जो चलती है। क्या रंजिश चलती है? बहुत बड़ी रंजिश है, जैसे कि सास कहती है बहू को आलू नहीं पके, कच्चे हैं, राजमा कच्चे हैं, तो वो जैसे ही कुकर के पास प्ले करती है, राजमा और आलू अपने आप पक जाते, कुकर से बाहर आके बात करते हैं, बोल सासू माँ। भाई साहब, इनसे कुछ कहना है आपको बैरागी जी से? बैरागी जी, इनका नाम क्या है? जिब्बाट मेहरा हमारे साथ जुड़े हुए। आप जिब्बाट मेहरा है? बोल रहे हैं बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से? तुरंत इस बार की चिट्ठी सस्कातून के मनियारीपुर में, स्कूटर के पीछे गढ़वाली और कमाऊनी रिश्तों का इश्तिहार पढ़कर लोल ऐसा भी होता है बोलने वाली। क्रिमसी जिनाला कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। क्रिमसी जिनाला जी कमाऊनी होते हैं। क्रिमसी जिनाला जी एफसी रॉकिंग नहीं, गढ़वाली तो सुबह आता है। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ, बोल, कौन रहे? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
भाई साहब हेलो। हाँ कहाँ से बोल रहे हो आप? हम बता देंगे, हर हफ्ते एक चर्चा होती है जहाँ पर आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट एक मुद्दे पर अपनी राय देते हैं। अच्छा, जरूरी है ये? जरूरी मतलब दो मिनट लगेगा, आप खुश मिजाज इंसान लग रहे हैं। चलिए ठीक है। क्रिकेट को फॉलो करते हैं भाई साहब? क्रिकेट को? हाँ हाँ। चैंपियंस ट्रॉफी को फॉलो किया आपने? चैंपियंस ट्रॉफी सब कुछ किया। इसमें सबसे ज्यादा फायदा, इतने देश इसमें इन्वॉल्व थे बैरागी जी, जी। सबसे ज्यादा फायदा चैंपियंस ट्रॉफी में किस देश को हुआ है भाई साहब? आवाज आ रही है? हाँ हाँ, मैं बताऊँ किसको? नहीं आप चलिए पहले आप ही बोल दीजिए, क्या बात होगी? मेरे हिसाब से देखो भाई, पाकिस्तान को। क्यों? क्योंकि गरीब देश है थोड़ा पैसा। अरे ये तो सबको पता है। नहीं 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 नहीं, मेन फायदा, सबसे ज्यादा फायदा किस कंट्री को है बैठागी जी? देखिए बहुत से देशों ने यहाँ पर भाग लिया, टॉप के 8 टीम्स यहाँ पर भिड़ी आकर के। सबसे ज्यादा फायदा जो हुआ वो चाइना को हुआ। चाइना कहाँ से आ गया? हाँ चाइना तो खेल भी नहीं रहा था बैठागी जी। चाइना इसलिए क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान हारता था तो वहाँ पर टीवी टूटते थे। क्या बात है। तो वहाँ पर इखलास, अहमद, सरफराज सब लोगों ने जो है चाइनीज टीवी तो मंगाने थे। सबसे ज्यादा टीवी की बिक्री चाइना में होती थी। भाई साहब ये गलत बोल रहे हैं, हंस के गंदा नहीं बोल सकते। बेड़ा की जी इनका नाम क्या है? कुंजर गिरी हमारे साथ। आप कुंजर गिरी? बहुत शुक्रिया अपना नाम बताने के लिए। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी, इस बार की चिट्ठी बहुत ही अंदरूने मुल्क से है। कोरमा नगर के एक मुर्गे को नहलाकर बाजरा डालकर इफ्तारी के लिए तैयार करती टीना को लाड़ा कहती है। यू गाइस आर एफसी रॉकिंग। टीना गुलाड़ा जी, एफसी रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू टीना। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, सोए हुए लग रहे हो, बाद में लगा लूं? बाद में कर लेना। एक सेकंड, सॉरी ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप लेटे लेटे भी बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। एक मिनट, कहाँ से? हमारे पूरे खानदान में जनरली मुंह से बोलते हैं। आपके यहाँ? हमारे यहाँ से। गलत है ये ना बात, शुरुआत में ऐसा थोड़ी शोभा देता है। कौन बोल रहा है? मैं बता चुका हूँ आपसे, एक मिनट लेना चाहूंगा। चंद्र ग्रहण लगने वाला है, लूनर एक्लिप्स। हाँ लगने वाला है, लेकिन चंद्र ग्रहण से देश का विकास होगा ये कोई नहीं सोच रहा है। अरे भेजा लेके आया कि रख के आया घर पे? हेलो क्या हुआ, क्या हुआ, सुन तो लो। हाँ बोल। विकास होगा मैं प्रूव कर सकता हूँ ना, एक मिनट तो दो। कर जल्दी। चंद्र ग्रहण कहाँ लगता है? चांद में। हाँ। चंदा क्या होते हैं? मामा। मामा, मामा शकुनी भी थे? हाँ थे। शकुनी कहाँ थे? महाभारत। वाओ, महाभारत में कौरव के साथ पांडव भी थे। पांडव, टोटल पांडव कितने थे? पांच। पांच, पांच कहाँ बजते हैं घड़ी में? घड़ी क्या बताती है? वक्त। समय। समय, चल समय ही बता देती, लेकिन समय क्या होना चाहिए? सही। सही, अच्छा। लेकिन सही और अच्छा तो इंसान होना चाहिए, है कि नहीं? वो भी जरूरी है। और इंसान सही तब होता है जब इंसान को सब कुछ मिल जाता है। जैसे? जैसे गाड़ी, बंगला, पैसा, है कि नहीं? लेकिन सिर्फ इनसे आदमी सही नहीं बनता। इंसान को चाहिए सबका साथ। अच्छा, है कि नहीं? बिल्कुल जरूरी है। और सबका साथ होगा तभी सबका विकास होगा। हाँ। तो देखा, चांद से विकास पे ले आए कि नहीं आप? आप गलत मत बोलिए। गलत मत बोलिए, निकाल के पता नहीं कितने गलत। ना 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 ना, चंद्र ग्रहण से विकास पे ले आया कि नहीं, साबित किया कि नहीं, आप बताओ मेरे। ची ची बोल के फोन रख रहा है, बात मेरी हजम हो नहीं रही है, बात कर रहा है। एक मिनट, चंद्र ग्रहण लगने वाला है, खाने पीने के सामान में आप लोग तुलसी का पत्ता डाल दीजिएगा, ठीक है? ऐसा बताते थे दद्दा जी। 93.5 FM बउआ बोलने में बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी जनाब। जी सब खैरियत है भाई साहब? अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए। मैं के कस्टमर केयर से बउआ बात कर रहा हूँ, क्या यह मुनासिब वक्त होगा आपसे गुफ्तगू करने का? जी जी हजरत फरमाइए। मैं आपका ज्यादा वक्त जाया नहीं करूँगा। जी फरमाएं। आपकी कॉलर ट्यून के सिलसिले में मैंने ये कॉल करी थी आपको। जी जी। आपने मुख्तलिफ कॉलर ट्यून्स की फरमाइश की थी तो मैं आपको सैंपल सुनाना चाह रहा था। अभी मैं कहीं मसरूफ हूँ तो क्या हम थोड़ी देर बाद गुफ्तगू कर सकते हैं आपसे? अगर आप 5 मिनट देंगे जनाब तो सारी गुफ्तगू अभी खत्म कर दूंगा मैं। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जिस मतलूबा नंबर से मेरी बात हो रही है क्या वो आप ही का है? जी मेरा ही है हजरत, बताएं। बड़ा मेहरबानी, आप हमें 2 मिनट दें तो मैं आपको कॉलर ट्यून का सैंपल सुनाना चाह रहा हूँ। हमारे पास 2 किस्म के कॉलर ट्यून्स हैं, एक वो जिनमें आपको मंथली चार्जेस अदा करने होंगे, जैसे कि आतिफ असलम साहब का एक नगमा है।
तकरीबन 30 रुपए आपको 30 दिनों के लिए अदा करने होंगे इस कॉलर ट्यून के लिए। और कोई है? एक और है, खैर मकदम आपके लिए। आया कि नहीं मजा, आप बताइए। ये इसका कितना चार्जेस है? सेम है इसका भी। कोई मुफ्त वाला है आपके पास? दूसरी कैटेगरी भी है जहाँ पर मुफ्त में आपको कॉलर ट्यून इसी मतलूबा नंबर के लिए। जी बताएं, वो सुनाएं। जी वो तो मुनासिब नहीं होगा अभी सुनाना। अब कौन से बोल रहे ना, आपने फिर कॉल क्यों किया है? अगर आपके पास कैटेगरी है तो सुनाएं। नहीं, मुफ्त वाला मैं चाह रहा था कि इस वक्त वो आपके लिए माकूल नहीं है, अगर आप रहने दें तो ज्यादा बेहतर होगा। बड़े फूल से इंसान हो आप, आपने फोन क्यों किया मुझको? नहीं, आप समझ नहीं रहे, मैं मुफ्त वाला आपको सुना तो दूं, मैं आपको रुसवा नहीं करना चाह रहा हूँ। आप सुनाए सुनाए वरना फोन रखें आप। अगर आप इतना ही जोर दे रहे हैं तो ये लीजिए मुफ्त वाली। औलाद इसके बच्चे नहीं आती ये मुफ्त, मैं कह रहा था आप रुसवा हो जाएंगे जनाब। अरे बउआ बोल रहा हूँ, काट दिया भाई साहब ने नंबर, बड़ा मेहरबानी, नंबर कट चुका है। रेड एफ एम बजाते रहो बउआ बोल। कितनी अच्छी उर्दू बोली ना, मुनासिब, वक्त जाया, मतलूबा, बड़ा मेहरबानी, याद आ गई मेरी नानी। चल वक्त। हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते जी, बउआ बोल रहा हूँ। जल्दी बोलो, मैंने स्कूटर साइड में लगाया, जल्दी जल्दी। अच्छा, स्कूटर टाइम नहीं है इसीलिए फोन किया मैंने, आजकल लोगों के पास टाइम ही नहीं है। हाँ हाँ बोलो, जल्दी बोलो। हम लोग फोन कंपनी से बोल रहे हैं। हाँ बोलो। हम लोग लोगों को फोन करके एंटरटेन करते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं। अरे भाई मेरे को कहानी नहीं सुननी, मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं बड़ी काट लेते हो। नहीं नहीं पैसे नहीं काटेंगे, फ्री में है। अरे मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने स्कूटर साइड। क्या छोटी कहानी है? अच्छा जल्दी बोल। एक बार एक राजा था। अच्छा अच्छा क्या था? अब अच्छा था बुरा था? अच्छा जल्दी बोल। सॉरी, एक बार एक राजा था। हाँ। फिर एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई में वो जीत गया। अच्छा जीत गया तो बस हो गई कहानी। ये कहानी थी तेरी? आप नहीं बोले, टाइम नहीं है। फिर फोन क्यों किया? अगली कहानी सुनिए। रामू नाम का एक लड़का था। दो? दो नहीं, एक लड़का था। अच्छा तो दो नहीं एक? अरे मैं तो बोल रहा हूँ तो दो नहीं। अच्छा दो, सॉरी। तो रामू नाम का दो लड़का था। एक से कि दो थे? अब तो दो बोल रहा है। मैं देख रहा था आप अटेंशन दे रहे हो या नहीं। जल्दी बता। सॉरी, रामू नाम का एक लड़का था और आखिरकार एक दिन वो डोते हुए सुरेंद्र के पैर पे गिर गया। तो क्या करूँ, गिर गया तो हो गई कहानी तेरी। छोटी कहानी थी ना, आपको बोल रहा आपके पास टाइम नहीं। नहीं, एक आखिरी कहानी, इसके बाद मैं रख दूंगा। हाँ बोल। एक बार एक आदमी पटरी पे बैठा कट रहा था। अच्छा अच्छा, आपको अच्छा लगता है पटरी पे कट रहा? आप भी कटो तेरी की। सॉरी, एक बार एक आदमी ट्रेन की पटरी पे कट रहा था। हाँ। फिर एक पैसेंजर ट्रेन आई और वहाँ रुक गई। अच्छा फिर? अच्छा अरे आगे बता। मतलब ये है। फिर वो पलट के बैठ गया, पता है क्यों? क्यों? वो नहीं चाहते थे ट्रेन में बैठे लोग उसकी शक्ल देखें। तो क्या देखें? तो वो भी मैंने नहीं बोला। अरे तेरे को मैं ही मिला था। मैं नहीं, वो तो आपका नसीब है, आप मिल गए। अच्छा फिर? अच्छा ओके। पैंट के अंदर पहना एक अच्छा, एक बार वापस बोल। अच्छा अच्छा वो। हेलो भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते, मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक, स्वागत है। चर्चा करते हैं भाई साहब हम लोग हफ्ते हफ्ते में। हैं? किससे बात करनी है आपको? आप ऐसे करनी है, एक चर्चा होती है जहाँ पे बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि समाज को आईना दिखा करके अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। क्या बात करनी है? दिल्ली में जो हालत थी स्मॉग की, पोल्यूशन की, प्रदूषण की, फटकार भी लगाई जा रही है एनजीटी द्वारा। हाँ, हमने श्रीलंका के प्लेयर्स को भी देखा मास्क पहने। आपने मैच में देखा था श्रीलंका के प्लेयर्स मास्क पहने थे? पहन तो रखे। बैरागी जी ये सही किया उन्होंने या गलत? यही देखिए, ये बहुत ही, मैं तो कहूँगा पहले तो निंदा करनी चाहिए। किसकी? खिलाड़ियों की। बात कर लो यार तुम। हैं? दो आदमी बात कर लो। दो आदमी तो होंगे ही ना भाई साहब, वो एक्सपर्ट है, आप चर्चा है ना। एक मिनट चुप रहिए भाई साहब, एक मिनट। यार नहीं बैरागी, तो देखिए जो है इसकी बहुत निंदा की जा रही है। श्रीलंका के खिलाड़ी को जानना जरूरी है, पुरातन काल से श्रीलंका में तो धुआं ही धुआं था। मतलब
जब बजरंगबली जी ने जाकर के लंका जलाई थी तब आग लगी थी, उससे धुआं तो हुआ ही था। तो उनके जीवन में तो धुआं तभी से आ गया था। तभी से आ गया था। और उसके बाद रावण का भाई खरदूषण, हाँ, जो वहीं पर है, हाँ, जिसके छोटे भाई प्रदूषण है, वो तो वहीं है। तो देखिए दो कार्य, हाँ, और दशहरे में तो जलाए जाते ही, रावण जलता ही है। तो जब इतना आपको जलन से आप नजदीक में हैं, यहाँ तक कि मैं बताना चाहूंगा आपको, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके सिनेमा में भी कोई नहीं आता शुरुआत में कि इस शहर को क्या हो गया, उस शहर में है ही धुआं। हाँ, धुआं ही धुआं है। तो जब अपने यहाँ इतना धुआं है तो हमारे यहाँ धुआं बोल के एक्टिंग करके तुम लोग लगाया, इसका हम सीरियस से क्या करते हैं, निंदा करते हैं। भाई साहब आप है ना, अरे यार तुम बोलो, तुम दोनों आपस का क्या मतलब है? आप गलत ना बोलिए, इनका नाम बैरागी जी क्या है? मंटू पिछौला हमारे साथ जो थे। आप मंटू पिछौला हैं? बात करने हमको क्यों? गलत बोल रहे हैं मंटू पिछौला जी। इस बार बैरागी जी चिट्ठी, इस बार की चिट्ठी लाला लैंड के मछौंडा गांव में, वाह, बब्बल गम से पट पटाका बजाकर जीजू से रिबन कटवाने वाली ताती बलदेमिया कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। बलदेमिया ये कच्चे भी है 93.5 रेड एफएम बजाते रहिए ताती। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते, छोटी होली की आपको शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं बेटा। शुभकामनाएं, 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 शुभकामनाएं बेटा। खुद तो कभी किसी का काम ना है, दे रहे हैं शुभकामनाएं। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था, कहते हैं छोटी होली। हाँ जी। क्या छोटा बड़ा भाई, हमें बचपन से सिखाया गया कोई छोटा बड़ा नहीं होता, और यहाँ अपने त्योहार कोई छोटा बड़ा बना दिया। छोटी होली बड़ी होली से कितनी छोटी है भाई साहब? क्या एज में छोटी है, क्या साइज में छोटी है, क्या लंबाई में छोटी है? हेलो हेलो, औकात में छोटी है, विचार से छोटी है, हरकतों से छोटी है, चरित्र कैरेक्टर से छोटी है? हेलो। हाँ जी। तो हूँ हूँ करोगे हाँ जी के पापा, पता चले फोन है कि नहीं है? शब्दों से छोटी है, दिल से छोटी है, सोच से छोटी है, दिमाग से छोटी है, किस चीज से छोटी है? छोटी है छोटी होली छोटी होती है। गलत क्यों बोल रही हो फिर? तुझे नहीं पता? मुझे पता है, मुझे पता है, बताऊं? हाँ। खजूर से छोटी है। पागल है क्या, खजूर से छोटी कैसे हो गई? खजूर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेट। तो डेट से छोटी है, जैसे आज डेट है छोटी है, एक दिन पहले आ गई, कल बड़ी होली है तो कल बड़ी होली, तो डेट से। तो तू मेरा क्यों दिमाग काट रहा है, तुझे पता है तो? इसीलिए यही समझाने के लिए कि भाई साहब बुरा ना मानो होली है ना भाई साहब, बुरा ना मानो होली है ना। गलत आज भी 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलो बजाते रहो किल्ला बजते। हेलो, कट गई आवाज। हेलो हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ, दो मिनट चाहिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कौन बोल रहा है? मैं बहुआ, नाम बताया, कान में प्रॉब्लम है, बताइए एंटी वाले का नंबर। अंकल जी हूँ ना मैं, तो कान में प्रॉब्लम होती है। सॉरी, बड़े के बुरा मानिए भाई साहब। बुरा नहीं मानूंगा अंकल, बोल रहा भैया जी के बंदे को। भैया जी सॉरी, छिपकली होती ना छिपकली, कई लोग डरते हैं, नहीं डरना चाहिए, वो मददगार होती है। कैसे नहीं जानना मुझे? एक मिनट सुन लो, कई कल को कोई बोलेगा छिपकली से डर लगता है, आप उसको ये रीजन दे सकते हो, छिपकली क्या खाती है? मच्छर। मच्छर क्या पीता है? खून। किसका? तेरा। हम सब का, खाली मेरा क्यों? तेरा ही पिएगा ना साले, तू दूसरों का पीता तो। सॉरी नहीं, तो मच्छर खून पीता है। खून का रंग क्या होता है? लाल। लाल सिग्नल आते ही आदमी क्या करता है? रुक जाता है। जो नहीं रुकता है वो ट्रैफिक ब्रेक रूल ब्रेक करता है, और ट्रैफिक रूल ब्रेक करके जो जंप करेगा सिग्नल, उसका क्या हो सकता है? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होगा तो अस्पताल में भर्ती होगा भाई साहब। और भर्ती हुआ, और फिर अगर उसको खून की जरूरत है, और घर पे छिपकली है, तो आप समझ रहे हैं खून। बस साले तेरे पास कोई और नहीं मिला सुबह से, गलत आदमी, सुबह सुबह खून 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 कर मच्छरों को बिठा के साले। भाई बात छिपकली की हो रही है, आप मच्छर बोल रहे हो? हाँ तो छिपकली की हो रही, तो छिपकली मच्छर को खाती है ना, तू तो घूम फिर के मच्छर पे लेके आया सुबह सुबह दिमाग। हेलो, कट गया क्या? नहीं भाई साहब, कटा तो नहीं है, लेकिन मन नहीं हो रहा आपसे बात करने का। मत करना, काट जल्दी। छी, कैसे संस्कार पाए हैं आपने? छी, संस्कार तूने पाए हैं साले, छिपकली की बात हुई थी, मच्छर पे क्यों ले गया? मन तो हो रहा है मुंह पे पटकूं फोन पर, ऐसे संस्कार है नहीं मेरे। मन तो हो रहा तेरी चार लाख मारूं साले, पर तू है नहीं सामने, होता तो तेरे को बताता मैं क्या चीज हूँ। गलत भाई, की डू यू लव मी? ओ भैया तू आ जा मेरे, तेरे नाच ले ले। इतना सुरीला चीची आज से किसी ने नहीं बोला भाई, गॉड की कसम। 93.5 रेड एफएम बजाते रहे बहुआ बोले, उनके नमस्ते। हेलो, कट गई आवाज। हेलो
हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ, दो मिनट चाहिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कौन बोल रहा है? मैं बउआ, नाम बताया, कान में प्रॉब्लम। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारे बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल। हेलो, हो गया संपर्क, हो गया। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। ये हमारे एक्सपर्ट होते हैं और एक मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ, जो कि समाज को आईना दिखाकर अपने कर्तव्य को पूरा करता है। भाई साहब क्या है? देखिए, हाल ही के दिनों में दिल्ली मेट्रो जो थी वो उससे दीवार से टकरा गई। लाइन पता है मैजेंडा लाइन जो है, मैजेंटा। हाँ, मैजेंटा लाइन। हाँ, मैजेंटा, वही वाली एजेंडा। आपका एजेंडा क्या है? मैजेंटा। आपका एजेंडा क्या है? ये कौन क्या? एक सेकंड, सॉरी। तो जब से हमको पता चला है कि उसने दीवार तोड़ दिया, क्यों तोड़ा, इसके पीछे बैरागी जी कारण बता रहे हैं। क्या कारण बता रहे हैं? देखिए, मैजेंटा लाइन की सबसे बड़ी दिक्कत जो थी, मेट्रो के पास अगर हम बात करें तो दो चीजें हैं, एक तो पीली रेखा हाँ, जो कि स्त्रीलिंग है हाँ, और दूसरी फिर मेट्रो खुद भी स्त्रीलिंग है हाँ, मेट्रो आई बोलते हैं, मेट्रो आई, मेट्रो चली गई, तो दोनों पीली रेखा और मेट्रो जो है अकेली बोर हो रही थी। तो जैसे ही ड्राइवर लेस मेट्रो का टेस्ट शुरू हुआ, मेट्रो कैसे बात करेगी? एक सेकंड, मेट्रो किसके पास बात करने गई, ये पूछ रहे हैं। जैसे ही मेट्रो बात करने के लिए गई दीवार के पास। दीवार के पास क्यों गई? क्योंकि दीवार के पास बहुत सारी बातें होती है, दीवार के कान होते हैं। कान? तो जैसे ही मेट्रो दीवार के पास गई, उसके कान के पास, तो दीवार ने बोला इधर आ हाँ। वो नजदीक चली गई, उस नहीं संभल पाई और दीवार में से निकल गई हाँ। तो दीवार की दो चीज टूटी, एक कान और दूसरा, तो ये बताएंगे दूसरी दीवार की। बहुत गलत बोल रहे आप, गलत ही। इनका नाम बैरागी जी मालूम है, धतूरा मुखर्जी खुद हंस रहे थे उस पे। आप धतूरा मुखर्जी है भाई, हंस रहे हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, बोल रहे हैं। इस बार की चिट्ठी बैरागी, इस बार की चिट्ठी टोरफांडा के गांव जलूबी में सीक्रेट सेंटा के गिफ्ट में सस्ता गार्लिक पेस्ट देकर कोलेस्ट्रोल का ज्ञान पेलने वाली पलूनी चमोलिया कहती है, वाइजर एफ से रॉकिंग मौसम। अरे एफ से रॉकिंग डियर, गार्लिक पेस्ट कौन देता है? 93.5 FM बजाते रहो जी। हेलो, हेलो, थोड़ी गड़बड़ आ रही है आवाज भाई साहब। अंकिल नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? मैं कह रहा था मैं बउआ हूँ, लेकिन कौन से ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है दुनिया में? काम क्या है आपको? काम ये है कि किस चीज का महत्व है, लोग पूछते हैं किस चीज का महत्व है। अरे भैया, बात किससे करनी तुमको? देखिए, करनी तो मुझे जनता से, पर कोई कोई फोन उठा के बात कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई गंदा बोल रहा है। आप अगर दो मिनट दे दें तो मैं काम की बात करके फोन रख दूं। जल्दी पूछो। हैं, पूछना नहीं, कहना है मुझे कि महत्व किस चीज का है। खेल में क्रिकेट का, शरीर में पेट का, और कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट का बड़ा महत्व है। बताओ आगे बताऊं? व्यापार में घाटा का, हेलो, लड़ाई में चाटा का, किचन में आटा का बड़ा महत्व है। बारात, मेन टॉपिक यही है कि बारात में दूल्हे का और रसोई में चूल्हे का बड़ा महत्व है। हैं, ससुराल में जमाई का, परदेश में कमाई का, जाड़े में रजाई का और दूध में मलाई का बड़ा महत्व है। अबे थोड़ी बता तो क्या महत्व है, एक तमाचा मारूंगा पीछे। एक सेकेंड, सलाद में मूली का, फूल में जूली का, सजा में सूली का और स्टेशन पे कूली का बड़ा ही महत्व है। अब ये तो बता महत्व कहाँ? गलत बोल रहे, सब्जी में आलू का, बिहार में लालू का, नदी में बालू का, जंगल में भालू का बड़ा ही महत्व है। पकवान में पूरी का, रिश्तों में दूरी का और रसोई में छुरी का क्या है भाई साहब? एक सेकंड, आप क्या गलत क्यों बोल रहे हैं? एक मिनट रुक, मैं बताता हूँ। क्या बता रहे हैं आप, क्या बता रहे हैं? देश के लिए झंडे का और तेरे लिए डंडे का बहुत महत्व है। क्या बात है, देश के लिए झंडे का और मेरे जैसे के लिए डंडे का, लेकिन डंडे का करेंगे क्या आप? सड़क से घूमने वाली सांड का है और डंडे से टूटने वाली। मैं जानता हूँ आप यही कह रहे हैं, बड़ा महत्व। गलत आदमी, 93.5 FM बजाते रहे बउआ बोल रहे। हेलो, हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। हेलो अंकिल जी, किसको बोल रहे? आपको से एक मिनट बात करनी थी। हेलो, हाँ जी, मैं कह रहा था लोग ना सच जानना चाहते हैं, भविष्य जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं आने वाला साल उनके लिए कैसा रहेगा। तो हमारी तरफ से हम कई लोगों को बोल रहे हैं कि हम फ्री में उनको सुझाव देंगे। ओके,
और उनको ये बताएंगे कि आने वाले साल उनके लिए, समाज के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके दोस्तों के लिए, उनके सगे संबंधियों के लिए, पड़ोसियों के लिए, पड़ोसियों के लिए और गर्लफ्रेंड के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए और किसके लिए? औकात में रहिए, आपकी आवाज से लग नहीं रहा आपकी होगी औकात, तो मज्जा यहाँ के मारूंगा तेरे को। सॉरी 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 सॉरी, काम की बात कर सिर्फ। मैं वही बोला अगले साल क्या क्या होगा सुन लीजिए। देखिए अगले साल पूरे साल भर में मिला के जहाँ तक मेरा कैलकुलेशन है, एक सेकंड पेपर पे लिखा है, कुल 11-12 महीने होंगे वैसे अगले साल। तो इसमें नया क्या है, हर साल ही 12 महीने होते हैं। एक सेकंड 26 जनवरी को परेड होगी दिल्ली में, शानदार परेड। अरे तो पागल है क्या? एक सेकंड, फरवरी में पूरा देश वैलेंटाइन डे मना सकता है। यार तुम हेलो, नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, कट गया था। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरे को रुकिए। मई और जून आते आते गर्मी पड़ सकती है अलग अलग इलाकों। पागल कोई नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अक्टूबर जाते जाते ठंड आ सकती है, नवंबर में दिवाली मनाई जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। इस पूरे साल भाई साहब, हेलो मेरी बात सुन, इस पूरे साल साइकिल हो या मोटरसाइकिल, सुनिए, हाँ जी, वो दो पहियों पे चलाई जाएगी। ऐसा ना, वहीं आके ना फाड़ दूंगा अगर फोन नहीं रखा तो। फोन रख, गलत क्यों बोल रहे हैं? अब मेरी बात सुन, ध्यान दे। हाँ क्या कह रहे हैं? मेरे गांव में अगले साल बांस के 4 पेड़ ना 8 इंच बड़े हो जाएंगे, और वो चारों पेड़ ना घुसेड़ दूंगा, पार निकाल दूंगा। आप भी भविष्यवाणी कर रहे हैं? 93.5 FM, बहुआ बजाते रहो। हेलो, हाँ जी कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। मेरे पापा मुझे दिमागी डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, क्या बात हो गई? तो फिर यहाँ के फोन करके ये क्या बात हो गई? मतलब ऐसे किसी को, कोई अगर लॉजिकल है तो उसको आप दिमागी डॉक्टर के पास ले जाओगे? भाई तेरे को जरूरत ही है, लगता है मुझे तेरे को जरूरत है, लेके जाना चाहिए। मैं बता रहा हूँ अब आप, मैं जाऊंगा तो आप बोलोगे जरूरत नहीं है, पता है क्या हुआ? नहीं है जरूरत नहीं है। एक सेकंड, फोन क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मेरे छोटे भाई का कंप्यूटर का माउस खराब हो गया। ठीक है, तो पापा ने कहा मार्केट से जाके ओरिजिनल माउस ले आ। तो इसमें क्या हो गया फिर? मेरे को लग गए 3 साल। 3 साल लग गए तुझे? हाँ, कैसे? मैं बता रहा हूँ, बता। सबसे पहले गया मैं परचून वाले के पास, परचून वाले के पास कंप्यूटर का माउस लेने। सुनना, मैं परचून वाले के पास गया, उससे लिया मैंने अढ़ाई। क्या लिया? अढ़ाई। वो क्या होता भाई? अढ़ाई सरसों का भाई, अढ़ाई राई। हाँ, मैं ढ को ढ बोलता हूँ, सॉरी भाई। अच्छा, राई लेके मैं चला गया सतपुरा के जंगलों में। सतपुरा के जंगलों में क्यों गया? वहाँ पर राई का बना दिया पहाड़। क्या? पहाड़ बनने में लगे 3 साल। जैसे अच्छा, पहाड़ बना, पहाड़ को खोदा पहाड़ निकला चूहा, बस ओरिजिनल माउस मिल गया घर का। जब पैदा हुआ था सिर पे चोट लगी थी क्या? और बताए, इतना ओरिजिनल था कि वायरलेस माउस था, छोटा सा वायर था पीछे, लेकिन वायर। मैंने उसको तेरा बाप तेरे साथ सही कर रहा था, तुझे डॉक्टर का पास नहीं, पागल खाने छोड़ दिया आना चाहिए। फिर मैंने उस वायरलेस माउस को सॉकेट में डाले तो उसके कान खड़े हो गए, पता नहीं क्यों। हंस रहा है, मजे भी ले रहा है, देखो गलत भी बोल रहा है। फोन रख। जी इतना चीची बोलता है कोई अंकिल? 93.5 FM बहुआ बोलने बजाते रहो, नमस्ते। हेलो हेलो, हाँ जी कौन? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बोल भाई। मैं कह रहा था, हाँ क्या सीन है? सीन किस चीज का? अरे बता दो। अरे भाई किस चीज का? अरे पार्टी का, न्यू ईयर पार्टी का। पार्टी का सीन होना है भाई? हैं? पार्टी का सीन होना है, तू बता भाई क्या करना है? नहीं मैं बोल रहा हूँ, मतलब सेट है ना सब? तू है कौन? मैं देखो, मैं बउआ बोल रहा हूँ, लेकिन ज्यादा जरूरी ये नहीं कि मैं कौन हूँ जानना। हाँ। ज्यादा जरूरी ये है कि सीन सेट है ना तेरा फुल?
सीन फुल सेट है भाई। तैयारी कर ली है ना तूने? तैयारी पूरी कर ली है, तू अपनी बता। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा था कि तेरे को अकेले क्लब में एंट्री न मिले तो फिर पंगा होगा ना, मतलब। अरे हमारे को एंट्री मिल जाएगी भाई, बंदी हमारे पास, तू छोड़। बंदी के साथ है, वेरी नाइस। तो क्या तैयारी की है तूने? तैयारी पूरी सेट है भाई, पार्टी वार्टी कर लेंगे बढ़िया तरीके से, दारू वारू फुल सेट है अपनी, खंबा ले लेंगे पूरा अपना, खंबा ले ले। जैकेट जुकेट लिया है? जैकेट वैकेट सब ले लिया, लत्ते उत्ते ले लिए, कपड़े कपड़े ले लिए, कपड़े कपड़े जूते उत्ते ले लिए, टोपी उपी ले ली। ले लिया भाई। गलत क्यों बोल रहा है? गलत काम बोल रहा हूँ, बता तेरे को क्या काम है? नहीं तो गाड़ी तो कैसे जाएगा, ऑटो से जाएगा, कैसे जाएगा? गाड़ी से जाएंगे, ऑटो में जाएंगे हम। कैसी बातें कर रहा है? सॉरी सॉरी सॉरी। तो गाड़ी में गाड़ी खुद की है, बंडी की है गाड़ी? अरे अपनी गाड़ी है। तो खुद की गाड़ी है तो? और भाभी जी बोल सकता हूँ मैं बंदी को तुम्हारे, या बंदी बोलूँ? अरे भाभी जी बोल ले, क्या दिक्कत है भाई, अपनी है। अच्छा, तो गाड़ी भाभी जी चलाएंगे, आप चलाएंगे? अरे मैं चलाऊंगा भाई, वो क्यों चलाएगी? अच्छा, तो वापसी कितने बजे तक आएंगे आप लोग पार्टी से? अरे भाई कैसी बात है, तू बावड़ा, आराम से आएंगे, एक बजे आएंगे अपना पार्टी करके। पार्टी करके तो मतलब गाड़ी भाभी जी नहीं, आप ही चलाएंगे जाने आने दोनों तरफ? हाँ हम ही चलाएंगे भाई। और तूने बोला तू खंबा खत्म कर देगा, खंबा भी ले लिया तूने? बिल्कुल भाई, और इससे इसके बिना तो पार्टी नहीं होगी हमारी, पार्टी नहीं। तू क्यों चौधरी बन रहा है? तो क्या हो गया, मैं पूछ ही रहा था ना, मैं आपकी मदद कर रहा था। तुम्हारी मदद मत कर। नहीं नहीं, एक सेकंड, मैं आपको खाली एक नंबर देना चाह रहा था, नोट अगर कर लें। क्या नंबर? हेलो, हाँ, 1 0 0 2। अरे क्या है, क्या ये वैसे भी एम्बुलेंस का नंबर है? 102। तो मुझे क्यों जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ सकती है, पार्टी करेंगे, फुल टल्ली रहेंगे, गाड़ी भी आपका भाई, मतलब भाई चलाएगा, आपने बोले भाभी जी को देंगे नहीं, तो अंत में जैसे ही आपकी गाड़ी है ना, तो फिर आपको एम्बुलेंस की जरूरत पड़ सकती है, या फिर एक काम करना भाई। हेलो, है ना लाइन पे? हाँ। आपको क्या, आप तो ठोके पड़े रहेंगे ना, तो फिर दूसरे लोग यूज करेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, आप मत नोट करो, दूसरे खुद ही बुला लेंगे, है ना। हेलो, दूसरे खुद ही बुला लेंगे एम्बुलेंस। अरे पड़ सकती है एम्बुलेंस की जरूरत भाई साहब। चलिए ठीक है, इस हैप्पी न्यू ईयर, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, 93.5 FM बजाते रहो अंकिल, नमस्ते बहुआ बोल। हेलो भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो? एक चर्चा में शामिल करते हुए मैं बहुआ, और मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया, विक्रम संवत 2018 में आपका स्वागत है नवयुवक। स्वागत भाई साहब, बोलिए आप। आपसे ही करनी है, एक चर्चा होती है जहाँ पर हम आप जैसे एक जनता के प्रतिनिधि को चुनते हैं, और वो समाज को आईना दिखाकर समाज के प्रति अपने कर्तव्य निभाता है, और ये बैरागी जी उनसे अगर सवाल पूछना चाहें तो। मैं कह रहा था भाई साहब, हेलो, कह रहा था मैं कि रजनीकांत जी ने एक पार्टी बना दी पॉलिटिकल। जी, रजनीकांत ने? हाँ रजनीकांत, तेरे तो जी जाए से चौका है, रजनीकांत ने? रजनीकांत ने जी, जी। तो वो पार्टी क्यों बनाई, क्यों राजनीति में आया? इस पे बैरागी जी थोड़ा वो डालेंगे जो अक्सर लाइट जलाने पे आता है। बैरागी जी क्या होता है? प्रकाश, प्रकाश डालेंगे। देखिए रजनीकांत को ये तो सबसे पहले उनके अंदर से ही ये चीज है कि उनको पहले पार्टी ज्वाइन कर लेना चाहिए था, बना लेना चाहिए। अच्छा। क्यों? क्योंकि देखो अच्छे एक्टर की अदाकारी आप जानते हैं, क्या करते हैं वो, बताओ क्या करते हैं? क्या करते हैं रजनीकांत? वो मूवी बना, वो हीरो है, हीरो है, हीरो है, हीरो तो दुनिया को पता है, इसके अलावा क्या करते हैं आप ही बता दो ना, उससे पूछ रहे हो। घुमा के चश्मा पहन लेते हैं, चश्मा घुमा के उड़ा के, सिगरेट सीधा मुंह में आ जाता है, एक्शन भी घुमा के, सिगरेट भी घुमा के, उठाते हैं घुमा के बंद जाती है, पैर घुमाते हैं तो बवंडर आ जाता है, हर चीज घुमाने की उनके पास है। तो घुमाने का राजनीति से क्या लेन देन? नेताओं का काम क्या है अब ये बताओ? नेता भी घुमाते हैं। वाह, जब वो भी घुमाते हैं ये भी घुमाते हैं तो बन गए राजनीतिज्ञ। रजनीकांत घुमा रहे हैं, नेता घुमा रहे हैं, तो पार्टी तो बननी थी, बननी थी। इनका नाम बैरागी जी, इनका नाम है स्टिमुलेट कवात्रा, हमारे साथ जुड़े हुए आप स्टिमुलेट। कवात्रा क्या गलत बोल रहा है बैरागी जी, बात कर रहा है बैरागी जी। चिट्ठी, इस बार की चिट्ठी कोलाला की राजधानी बिबलीपुर के सेक्टर 4 में उबले आलू में देसी घी डालकर देसी लिप बाम बनाने वाली विटली चिटली कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। पर एफ से रॉकिंग कौन खरीदेगा तेरा बाम पागल, 93.5 रेट बजाते रहो, बहुत बढ़िया। हेलो, हेलो, पीछे बड़ी आवाज आ रही है,
हेलो, कौन? देखिए मैं आपको हेलो बोलूं, हाय बोलूं, नमस्ते बोलूं, क्या बोलूं? अबे कुछ भी बोल, बट जल्दी बोल, है कौन तू? जी मैं अपने आप को मैं बोलूं, माई सेल्फ बोलूं, मी बोलूं, आई एम बोलूं, या क्या बोलूं? तू एक काम कर, अपने आप को क्या बोल, जल्दी बोल, क्या बोल रहा है? मैं बहुआ बोल रहा हूँ, और एक सेकंड, हेलो। हाँ बोल। अब मैं तुझे बोलूं, तुमको बोलूं, तू बोलूं, आप बोलूं, या ए, ये बोलूं आपको? अबे तुझे बोलना क्या है, जल्दी बोल। नहीं मतलब मैं काम बताऊं, बात घुमाऊं, सीधा पॉइंट पे आऊं, या क्या करूं? अबे हजार बार बोल रखा है, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, क्या पॉइंट पे आ? सॉरी सॉरी, आप गलत बोल रहे हैं। देखिए आप साढ़े एक घंटे से, मैं आपको देश के बारे में बताऊं, अपने बारे में बताऊं, आपके बारे में बताऊं, या कुछ स्पेशल डिमांड है वो बताऊं? अपने बारे में बता, कौन है तू? गलत बोल रहे हैं, मत बोलिए, चुप हो जाइए, औकात में रहिए। इसमें से क्या बोलूं मैं आपको? तुझे औकात पता है मेरी? बताओ तुझे औकात। देखो मैं आपको दोबारा समझाऊं, पुलिस को बोलूं या घर पे लड़के भिजवाऊं, बताओ? तू खुद आ, कितने लड़के लेके आएगा तू भाई? ये हेलो, अब एक बार फिर मिलाऊं, ये छोड़ दूं, या अपनी औकात पे आके मिला ही लेता हूं, ठीक है? हेलो, अब फिर से हाय बोलूं, नमस्ते बोलूं, क्या बोलूं? मतलब एक सेकंड, आप समझे नहीं। बेसिकली क्या है ना, मैं हर बात बात पे आपको ऑप्शन दे रहा था कि हाय बोलूं, हेलो बोलूं, आप गंदा बोले जा रहे हैं। एक काम कर, चल मैं तुझे ऑप्शन देता हूं। आप क्या ऑप्शन दे रहे हो? हैं, तुझे गाली दूं, तेरे बाप को गाली दूं, तेरे खानदान को गाली दूं, या फिर तेरी गर्लफ्रेंड को दूं? आप बहुत घटिया इंसान है, ये बोलू है? आपको आपके औकात दिखाऊंगा, ये बोलू, या चीची मत बोल, ये पागल आदमी, ये बोलू? तू कुछ बोल मत, घटिया आदमी है, ये बोलू? पलट के मैं भी चीची बोलू, तुझे दोबारा लगाऊ? 93.5 FM बजाते रहो, जरूरत से ज्यादा ऑप्शन ना देना। बहुआ बल्ले बंकी, नमस्ते। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन? आवाज गूंज रही है भाई साहब। हाँ जी बोलिए। हेलो, हाँ जी, को हेलो, मैं बउआ बोल रहे थे, नमस्ते जी। जी नहीं, रेड मतलब दोनों, मतलब काम। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कह रहा था आपसे कि आप जूते पहनते हैं? तो भाई वो तो हर कोई पहनते हैं, कैसे? जूते ने आपको काटा है कभी? नहीं, नहीं लेता हूँ, तभी काटते हैं ज्यादातर, नहीं लेते। लेकिन आपको कभी पता है जूते काटते क्यों है? इतिहास में पहली बार जूते ने कब काटे? नहीं ऐसा कुछ, ऐसी जूतों की हिस्ट्री मेरे को कोई आईडिया नहीं है। मैं बताता हूँ आपको पहली बार कब काटा। मैं थोड़ा इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। एक से अच्छा सुनो, एक खत्म कर दूंगा फटाफट। जूता, हाँ, जूता जो होता है बेसिकली वो सालियाँ चुराती है। कनेक्शन देखना आप, जूते चुराती है साली। साली का भाई होता है साला। साला गाली भी होती है। गाली देने पे मारपीट हो सकती है। मारपीट करोगे पुलिस आएगी। आ गई पुलिस, मतलब कानून। कानून के हाथ लंबे होते हैं। लंबे तो अमिताभ बच्चन भी होते हैं। अमिताभ बच्चन एक फिल्म में थे, दीवार। दीवार में वो स्मगलिंग करते थे। एक मिनट, इतना भी करने का टाइम कहाँ से लाते हैं? दीवार में वो स्मगलिंग करते थे। स्मगलिंग सोने की भी होती थी। हो गई। सोने के दांत भी होते हैं। दांत नकली भी होते हैं। नकली मेरे दादाजी के भी दांत थे। दादाजी मंदिर जाते थे। मंदिर जाने से पहले जूते बाहर रखते थे, चमड़े का बेल्ट और घड़ी वड़ी बाहर रखते थे, और नकली दांत भी बाहर रखते थे। अच्छा। लेकिन दांत जमीन पे रखेंगे तो दांत मैले हो जाएंगे, इसलिए दांत को जूते में छुपा देते थे। एक दिन जूते ने एक दिन उसी जूते को एक चोर ने चुराया, आगे जाके पहना, अंदर जो दांत थे उसने जूते के अंदर से उसको काट लिए। पहली बार इतिहास में जूता तभी ने काटा था क्योंकि उसके अंदर दांत हो गया। हाँ, आप बताओ, हो गया तो धो लो, खत्म हो गया। फोन काट दे, काम कर, दादाजी के जूते ना उसी से। अरे गलत नहीं, गलत नहीं, गलत नहीं, बात खत्म। 93.5 FM बहुआ बल्लो बजाते रहो, चीची बोल रहे। हेलो हेलो, हाँ कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन जी? मैं तो बउआ बोल रहा था, लेकिन आपको मैं 3-4 बार मिस कॉल मारा था अभी। हेलो, हाँ मैं कह रहा था, क्या नया साल आने वाला है? हाँ तो पुराना जाने वाला है। अच्छा, तो एक चीज मैं आपको बता रहा था, क्या कि आपको
और आपके हाँ पूड़े पूड़े क्या पूड़े मतलब मैं डक उड़ा बोलता अरे से पूरे हाँ। परिवार को मेरे और मेरे पूरे परिवार की अच्छा तरफ से तरफ से क्या आने वाले आने अरे बोल ले भाई आगे हो एक सेकंड आने वाले नव वर्ष की सुख शांति सुख शांति समृद्धि अच्छेपन अरे एक सेकेंड मतलब पूरे दिल से कामना और विशेष और सक्सेस और तेरी मारूंगा चार चार समझ में आ गई ड्रामे क्या नहीं मैं काम गलत बोल रहे हैं बर्दाश्त नहीं गलत बोल और तू सही बोल रहा है जैसे काम धंधे होते थे हैप्पी न्यू ईयर की विश दे रहा था ना मैं अबे तो क्या 10 दिन पहले से हैप्पी न्यू ईयर की विश करने लग रहा है क्या शुभकामनाएं दे रहा हूँ फिर भी नहीं नहीं चाहिए अपने अपने में रख ले शुभकामना आपको और आपके पूरे परिवार को लगता कट गया साले कटाने के तेरे काट दूंगा समझ में आ गई पूरे 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 पे ये पूरे अपने पूरे पूरे पारे मोड़ के अपने डाल ले खराब करने लग रहा शुरू से फोन काट दे 93.5 रेड एफएम बहुआ बल्लम बजाते रंगील मजे आपके पूरे सॉरी हेलो अंकिल जी नमस्ते नमस्ते कौन जी मैं बोल रहा था मैं कौन भाई वो तो आपको पता होगा आप कौन मैं तेरे से पूछ रहा हूँ पता कौन बोल रहा है तू सॉरी मैं बहुआ बोल रहा हूँ हेलो हाँ जी मैं कह रहा था हाँ अभी अभी मैंने कहीं रिपोर्ट में पढ़ा कि 40 साल बाद चॉकलेट खत्म हो जाएंगे दुनिया से तो मेरे को क्यों बता रहे मेरे को क्या लेना आपने नहीं खाया बचपन में कभी खाया कि नहीं खाया चॉकलेट तो बहुत खाया बहुत खा वही तो आप 40 साल बाद खत्म हो जाएंगे तो आपके शादी हो गई है हाँ शादी हो गई है मेरी बच्चे हो गए हैं हाँ हो गए उनके बच्चे अभी सॉरी तो मैं कह रहा हूँ उनके बच्चे होंगे तब तक चॉकलेट खत्म हो जाएगा अच्छा हाँ ऐसे कैसे नहीं एक सेकंड ये वैज्ञानिकों ने बोला लेकिन मैं कह रहा हूँ आज हम जो कह रहे हैं ना टाइगर जिंदा है 40 साल बाद अगर चॉकलेट खत्म हो गए तो टाइगर्स भी खत्म हो जाएंगे टाइगर जिंदा नहीं रहेगा मैं दावे के साथ आपसे कह सकता हूँ भाई साहब अरे तो टाइगर का और चॉकलेट का उससे क्या कनेक्शन है टाइगर तो जिंदा है है ना कनेक्शन आपको नहीं पता है तो मुझसे पूछिए समझे चिल्ला के बात करिए मत मेरे से मैं बताता हूँ कनेक्शन चिल्ला के बात मत कर तू सॉरी क्या कनेक्शन है उन दोनों मैं बताता हूँ देखो अगर चॉकलेट खत्म हो गए तो बच्चों के दांत स्वस्थ रहेंगे अगर बच्चों के दांत खराब नहीं होंगे तो दांत के डॉक्टर्स का धंधा चौपट होगा अच्छा घंटा अच्छा दांत के डॉक्टर्स का घंटा चौपट सॉरी अबे पहले तू ढंग से बोल तो एक सेकंड सॉरी हाँ तो डॉक्टर दांत के डॉक्टर का अगर धंधा चौपट होगा तो कोई दांत का डॉक्टर बनेगा ही नहीं अच्छा कोई एडमिशन नहीं लेगा कॉलेज में अबे एक सेकंड कोई एडमिशन नहीं लेगा तो कॉलेजेस खाली पड़े रहेंगे पड़े पड़े वो बिल्डिंगें खराब होंगी वो बिल्डिंगों अच्छा। के अंदर जो क्लासेस चलते थे उसके फर्नीचर खराब हो जाएंगे फर्नीचर खराब होंगे तो लकड़ियां कबाड़ में बिक जाएंगी अच्छा। फिर कबाड़ में लोग लकड़ी खरीद के लकड़ी जलाएंगे उससे वातावरण में प्रदूषण अच्छा। होगा इंसान प्रदूषण से मर जाएगा फिर अच्छा। मर जाएगा तो पूरा का पूरा शहर जंगल बन जाएगा और अच्छा। जैसे जंगल बनेगा इंसान तो रहेंगे नहीं वहां शेर आ जाएंगे टाइगर आ जाएगा टाइगर आएगा तो इंसान तो रहेंगे नहीं खाने के लिए तो टाइगर भूखा भूखा मर जाएगा फिर आप अच्छा। कैसे बोलोगे कि टाइगर जिंदा है अबे तो गाड़े तू मुझे क्यों बता रहा है सारी बातें इसलिए कि अगर टाइगर बचाना है तो चॉकलेट बचाना होगा अबे तो चॉकलेट बचानी तो तेरे है क्या क्या गलत बोल रहे हैं आप अबे टाइगर थोड़े ऐसा क्यों बोल रहे अबे तू बोल